आज एक और नाबालिग के साथ में रेप की घटना है जो कि सामने आई है। कमरा के अंदर कोई हाथ लगा ले तो वो अंधा हो जावे। पीड़ित बालिका को जो परिवार है एक साल तांत्रिक के संपर्क में हो। साल के अंदर दो या तीन बार रेप की घटना है जो कि सामने आ चुकी। राम राम। दिलराज सिंह जलको बीकानेर में थारो स्वागत है। बीकानेर हूँ, एक बड़ी दर्दनाक घटना है जो कि सामने आ रही है। दर्दनाक ही क्यों है, पिछला दिन बीकानेर के अंदर एक दलित नाबालिग लड़की है बिक साथ में रेप की घटना है जो कि सामने आई, और आज एक और नाबालिग के साथ में रेप की घटना है जो कि सामने आई है। बीकानेर के खाजूवाला जकी घटना है जकी सामने आई है। घटना का ये घटना यानी कि है एक तांत्रिक हो जो भूथणी निकालबा के नाम के ऊपर परिवार के संपर्क में आयो, और बतायो जा रो है लड़की का पिताजी है जखा के कोई कमर में दर्द रहे तो, और बिकी वजहों पे तांत्रिक है जखा के संपर्क में आया। बाका पड़ोसी है जखा भी बैठे आबो जाबो रहे तो भी तांत्रिक, और बी घटना का आधारित पर वो पीड़ित परिवार है जखो भी तांत्रिक के संपर्क में आयो। और बतायो जा रहे है कि कमरा के अंदर दो या तीन बार यान की घटना घटित हो चुकी ही, और पहली बोलता है कि कमरा के अंदर कोई हाथ लगा ले तो वो अंधा हो जावे। तांत्रिक ई साबू ड्राइडो और धमकाइडो राग तो कि ई गेट का हाथ लगाता नहीं अंधा हो जावे, और भी चीज हूँ परिवार डर के भी गेट ने कोनी खोलता। लड़की के जगह पिताजी है बा कमर में दर्द हो भी वजहों पर भी तांत्रिक को संपर्क करो और डोरा बना बो यान को काम भी तांत्रिक को हो जको कर दो। पीड़ित बालिका को जो परिवार है एक साल तांत्रिक के संपर्क में हो। सादुल सर के हकमाबाद को वो तांत्रिक हो। लड़की के पिता के कमर को दर्द के बाद में लड़की के बारह के मायने वो तांत्रिक को यहाँ कहना हो कि एक अंदर भूतनी है, और भूतनी निकालबा के लिए एक बंद कमरा के अंदर के मन अलगू डोरो और ताबीज करनो है यान को बहम है जको यान की घटना है वो बता तो बक पीड़ित परिवार ने, ताकि परिवार का लोग है जखा कमरा के अंदर नहीं आ सके और बिन यान को मौको मिल सके दुष्कर्म करबा को। और एक अलावा घटना में आपने बताई कि वो कमरों बंद करे बाद में यह कि तो ई कमरा का अगर हाथ लगा लियो तो अंधा हो जावला। एक घटना को बेरो किया पीड़ित के पड़ोस के मायने जब वे रहता है ब्यू भी एक लड़की का रेप हुयो। पड़ोस को परिवार हो वो भी बैठे आबो जाबो हो जखो करतो रहे तो, और बिक साथ में भी रेप की घटना हुई तो जखो वो परिवार है वो पोक्सो के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई, और बिक बाद में ई परिवार ने भी जब पतो चालो माँ बाप ने जब ई बात को पतो चालो तो लड़की की माँ है जखी भी तांत्रिक के खिलाफ पोक्सो के अंदर मामलो दर्ज करवायो। लेकिन सो बड़ी अपडेट आ रही है कि आलतानी वो तांत्रिक है जखो पुलिस की गिरफ्तों दूर है, और बी की गिरफ्तारी को बार बार है जखो प्रयास करो जा रहे है। पीड़ित लड़की का पिताजी है जब ई बात को बन पतो चालो तो बे लड़की ने बात के बारह कमाई ने पूछी तो लड़की बन साफ साफ सब कुछ बता चुकी ई तरीका ई घटना को पतो परिवार ने पढ़ो। तो जलको बीकानेर के साथ में थे ये जुड़े रही जो अठे की लोकल अपडेट है बे मैं थाने देता रहसा और हर चीजों में थाने रूबरू कराता रहसा। तो राम राम साहब कैमरा मैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह, नमस्कार।